Thank you. Myself Shivendu Kumar. I have completed my MBBS from IMS BHU last year in 2K19. I get selected here through NEET in 2015 batch. My All India rank was 81, and I am basically from Champaran. बेसिकली मेरे सक्सेस का जो सीक्रेट था वो मेन था कि जो भी गोल्स मैंने सेट किए उस पर हमेशा फोकस रहा और उसको अचीव करने के लिए हमेशा अपना बेस्ट दिया. कभी आप खुद से बेईमानी ना करें तो आप सक्सेस जरूर होंगे. सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो सबका अलग अलग होता है. जैसे मेरा तो मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रहता था कि मतलब खुद से आप मोटिवेट हो सकते हैं. जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं होइएगा आपको कोई दूसरा नहीं कर सकता है. बाकी मेरे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और मेरे टीचर्स ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया. किसी टेस्ट में अगर मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाता था या मेरे रैंक थोड़े ऊपर चले जाते थे तो टीचर्स मुझे आके हमेशा मोटिवेट करते थे कि अगर थोड़ी बहुत अगर गलती हो रही है तो आप उसे सुधार करो और नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो. इसे मैं अपनी बात करूं तो मैं 10 से 12 घंटे डेली पढ़ता था कोचिंग के अलावा. और मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूँगा जो डेली स्कूल जाते हैं या उनको स्कूल जाना पड़ता है तो उन्हें पढ़ाई के लिए या सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी कम टाइम मिल पाता है. तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग स्कूल के टाइम को यूटिलाइज करें. रेसेस में या फिर जो पीरियड खाली रहता है उसमें आप पढ़ सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं. और बाकी उनको कोचिंग के अलावा रात को और सुबह टाइम मिल पाता है तो आप सुबह ज़रूर पढ़ें. जो भी चीज़ आप रात को पढ़े हैं उसको आप सुबह रिवाइज कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेमोरी के लिए. कि हाँ, मैंने खुद देखा है कि जो चीज़ मैं रात को पढ़ता था और सुबह उठ के उसको एक बार रिवाइज करता था वो मैं कभी नहीं भूलता था. और देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता ही है प्रिपरेशन के दौरान कि हाँ मेरी ये टॉपिक्स हैं बाकी रह गई हैं या ये सब्जेक्ट में ये चीज़ें में नहीं आती हैं, तो उसको पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है. लेकिन हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, हमें सारी चीज़ें टाइम पे कंप्लीट करनी है. सारे नोट्स जो भी हैं हमें टाइम पे बनाने हैं. जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट को अगर हम टाइम टू टाइम क्लियर करेंगे तो हमें प्रेशर नहीं, ज़्यादा बर्डन नहीं बढ़ेगा और प्रेशर हम हैंडल कर पाएंगे. जैसे अभी बात अगर प्रेशर की आ रही है तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम वाले दिन आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे जिस दिन आपका अगर एग्ज़ाम है उस दिन आप कितने काम और कितने कूल हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर उस दिन आपकी हार्ट बीट बढ़ी या आपने टेंशन लिया, आपको प्रेशर हुआ, अगर उस दिन आप अगर प्रेशर ले रहे हैं तो आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी या फिर वेस्ट हो जाएगा और उस दिन आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे. और ड्रॉपर्स के लिए बस यही सलाह दूंगा कि भाई आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है पहले से, थोड़ी और मेहनत करनी है. जो भी पिछले बार गलतियां हो गई थी या कमी रह गई थी उसको पूरा करना है. इस बार अपना बेस्ट देना है और आप लोग अपना गोल ज़रूर अचीव. एग्ज़ाम के दिन तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस था खुद पे कि हाँ मैं ये अच्छे से कर ले जाऊँगा क्योंकि मैंने प्रिपरेशन भी अच्छी कर रखी थी और डाउट तो बिल्कुल भी नहीं था. बाकी आपके लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा. तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा खुद पे कि हाँ कि मैं कर ले जाऊँगा अच्छे से. तो कोचिंग के टेस्ट देने से आपको ये लगेगा कि आपको सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी बन पाएगी कि बायो कितना टाइम देना है, फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री कितने देर में करना है, बाद में कुछ टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा. अगर बच रहा है तो फिर उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करना है, देखना है कि कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ हमने छोड़ तो नहीं रखा है, कोई लेंदी क्वेश्चन छोड़ा है उसको लास्ट में करने के लिए टाइम बच रहा है या नहीं बच रहा है. आप टाइम मैनेजमेंट सीख पाएंगे. और सबसे बड़ी बात, जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा. आपको आपको पहले से आपका आपकी स्ट्रेटजी पता रहेगी हमें करना क्या. देखिए, हर वो चीज़ जो जिसको करने से आपको लगता है कि हाँ ये मेरे गोल से मुझे हटा रही है या फिर मुझे जो चीज़ मैं परस्यू करना चाह रहा हूँ, जिस नीट की तैयारी कर रहा हूँ या जो मुझे डॉक्टर बनने से दूर ले जा रही है, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा. चाहे वो फ़ोन कॉल्स ही हों या फिर आपके फ्रेंड ही क्यों ना हों या फिर कोई भी अनवांटेड चीज़ ऐसी
जो आपको आपके गोल से दूर ले जा रही है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एग्ज़ाम टाइम में या फिर एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले भी आपको सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा ताकि आप खुद पे फोकस कर पाएँ, अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाएँ और अपना 100% दें एग्ज़ाम के समय। इसके लिए ये करना, पहली चीज़ ये करनी होगी कि जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है वहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज या टेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको आपको रेगुलर बेसिस पे देना होगा। जैसे मुझे इतना पता है कि लगभग 1-2 महीने तो चलते ही हैं ये सब कोचिंग के टेस्ट, तो जो भी मेजर माइनर जो भी हों, जैसे भी टेस्ट हों, उन सारे टेस्ट को आपको देना है। इससे क्या हुआ कि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे नीट का, तो आपको ऐसा कुछ नया नहीं रहेगा कि हम कुछ नया देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ऐसे टेस्ट दे रखे हैं कोचिंग में, तो ऐसा लगेगा कि हाँ एक नॉर्मल सा टेस्ट है और आप प्रेशर ज़्यादा नहीं। देखिए नीट के लिए तीनों सब्जेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों बराबर इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन सबसे बराबर बराबर आते हैं, मार्क्स सारे क्वेश्चंस के सेम रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सिर्फ बायोलॉजी पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी पसंद है तो आप सिर्फ बायो में अच्छा करके आप सेलेक्ट हो जाइएगा नीट में, ऐसा नहीं है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों बराबर पढ़ना पड़ेगा। और एक सवाल आपने बहुत बार सुना होगा कि क्या NCERT इनफ है नीट के लिए, या नीट के लिए सिर्फ NCERT ही पढ़ना है? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि NCERT जो है वो किसी भी एग्ज़ाम का बेसिक है, आपको उतना तो आना ही चाहिए। तो NCERT ऐसा नहीं है कि NCERT में बहुत कम दिया है या फिर आप उसको नहीं पढ़ सकते। NCERT की लाइन टू लाइन आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन जो है उसके अंदर से ही आते हैं। बट अगर आप NCERT पढ़ते हैं, बायो केमिस्ट्री के लिए तो ठीक है, बट फिजिक्स की NCERT थोड़ी टफ है और उसका लैंग्वेज आपको उतना ईजिली समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप साइड बुक वगैरह पढ़ सकते हैं फिजिक्स के लिए, और लेकिन जो बायो की NCERT है वो NCERT ही बहुत बहुत है नीट के लिए, और केमिस्ट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, NCERT है केमिस्ट्री नीट के लिए। और तो सबसे पहले हम बताते हैं कि बायो की NCERT को पढ़ना कैसे है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT के डायग्राम से आते हैं, जो भी फोटोज बने रहते हैं चैप्टर से रिलेटेड, या डायग्राम के नीचे जो भी लेवलिंग किया रहता है उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उस डायग्राम को याद करना है, उनको समझना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उन डायग्राम से आते हैं। और चैप्टर के पीछे जो भी समरी दी रहती है, हम तो समरी पढ़ते थे अपने समय में, तो वो समरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी पिछले 2-3 साल से तो NCERT ने एक सप्लीमेंट्री ऐड किया हुआ है, तो उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सप्लीमेंट्री से। और तो NCERT बहुत मस्ट है बायोलॉजी के लिए। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में जो भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक काफ़ी ज़रूरी है NCERT से पढ़ना। ऑर्गेनिक पूरी की पूरी NCERT से ही आती है, जो भी रिएक्शन दिए हुए हैं आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं होते हैं तो आप उनको लिख के चिपका सकते हैं अपने दीवारों पर, ताकि आप कभी भी बात करते हुए या कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी नज़र चली जाए उस पर, और कुछ पढ़ाई से अलग हट के कुछ काम कर रहे हैं फिर भी आपका ध्यान उस पर चला जाए तो एक बार आप उसको देख लें। और बाकी जो भी चैप्टर्स आपके कोचिंग में, उनको लिख के चिपका सकते हैं अपने दीवारों पर, ताकि आप कभी भी बात करते हुए या कोई भी काम कर रहे हैं तो आपकी नज़र चली जाए उस पर, और कुछ पढ़ाई से अलग हट के कुछ काम कर रहे हैं फिर भी आपका ध्यान उस पर चला जाए तो एक बार आप उसको देख लें। और बाकी जो भी चैप्टर्स आपके कोचिंग में या आप उसको ख़त्म करते हैं तो खुद आप उसकी एक समरी बनाइए, उसका एक नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स, ताकि आप स्मार्ट और कंसाइज स्टडी कर सकें। जब आपका टेस्ट पास आए तो एक बार उसको देख सकें, तो आप एक बार में पूरा चैप्टर आपको मेमोराइज हो जाए कि हाँ इस चैप्टर में क्या क्या है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिजिक्स की अगर बात करें तो फिजिक्स NCERT में आपने देखा होगा कि काफ़ी टफ दिया रहता है और ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, तो उसके लिए आप साइड बुक ले सकते हैं या फिर कोचिंग से जो भी मटेरियल दिए जाते हैं आप उसको पढ़ें। और में ज़्यादातर आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फिजिक्स पढ़ने का एक आसान तरीका ये है कि आप उसके क्वेश्चंस लगाइए, उस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस आप लगाएंगे, जितने डाउट्स मिलेंगे उन डाउट्स को अगर क्लियर करिएगा तो उस चैप्टर में पूरी पकड़ बनेगी आपकी,
और एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट पलट के पूछ दिया जाता है, और जो भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो नहीं कर पाता है। तो आपको जितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस आप करिए, सारे डाउट्स आप अपने टीचर से क्लियर करिए। और एक केस और देखा जाता है, ज़्यादातर फिजिक्स में देखा जाता है कि कुछ कुछ चैप्टर्स मतलब समझ में नहीं आते हैं। जैसे मेरे साथ खुद होता था कि वेव ऑप्टिक्स हो गया या फिर फ्लूइड मैकेनिज्म फिजिक्स में, तो ये ज़्यादा समझ में नहीं आता था या फिर मन नहीं लगता था, लगता था कि ये अगर आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके लिए मैंने क्या किया था कि उसके बेसिक जो भी था उसको पढ़ लिया था, और जितने भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह थे उनको लिख के याद कर लिया था, रट्टा लगा लिया था। क्योंकि क्या होता है कि इन इन क्वेश्चन जो भी हमको हार्ड लगते हैं टॉपिक, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्या होता है कि आप अगर थोड़ी सी उसको पढ़ रखें या फिर उसका बेसिक आपको पता है तो आप उसको स्नोप कर ले जाइएगा। अगर आपने बिल्कुल स्किप कर दिया उस चैप्टर को तो फिर वहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, क्योंकि उन क्वेश्चन को अगर जो भी बच्चे अगर बेसिक पढ़े हैं और वो कर ले आते हैं और आपने छोड़ दिया तो वहाँ पे आपका निगेटिव होगा और वो आपको नुकसान देगा काफ़ी। और नीट क्रैक करने के बाद सच कहूँ तो बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगती है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया सकता है। और जब आप क्रैक करेंगे तो वो एक अलग ही फीलिंग रहेगी, आप उसको अपने फैमिली मेम्बर से शेयर करेंगे, आपकी फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपके दोस्तों के बीच रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और उस समय आप खुद के हीरो रहते हैं, आप खुद की नज़रों में काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं कि हाँ मैंने अचीव कर लिया अपना। और न्यू एस्पिरेंट से बस यही सजेशन दूंगा उनको कि आप लोग 10th के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या लेना है, मेडिकल करना है या इंजीनियरिंग में जाना है। तो कुछ लोग जिनका मैथ काफ़ी वीक रहता है वो लोग सोचते हैं कि मैं बायो ले लूँगा और डॉक्टर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका बायो में इंटरेस्ट हो, अगर समाज सेवा करना है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आप फिर मेडिकल फील्ड चूज़ करें। और वैसे भी डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है इंडिया में, तो आप लोग आए अच्छे डॉक्टर बने और आपका मोस्ट वेलकम है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमसे जुड़े रहें नीट से रिलेटेड नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।